हाय गाइस, दिस इज राहुल। वैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग कि व्हाट कैन आई डू, मींस हम कर क्या सकते हैं। कारण क्या हुआ था, मैंने टॉप स्कॉलर टॉप रिसर्चर सबकी बात की कि वहाँ पे आप करते क्या हो। और इस समय तो एडमिशन का टाइम भी चल रहा है, बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुझे एडमिशन क्यों नहीं मिल पा रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि सर मेरे को इतनी रैंक है, मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या करूं कैसे करूं। डियर गाइज, आपको बस एक चीज़ बता दूं कि जो करना अच्छे से करो बस, ठीक है। मोटिवेशन की क्या बात करूं, मोटिवेशन तो बस एक ही मानना मेरा, सेल्फ मोटिवेशन बेस्ट मोटिवेशन। मेरा चाहे मैं कहीं रहूँ, अपने खुद से जो सोचोगे जो करना चाहोगे वो करोगे, ठीक है। किसी दूसरे के बताने करने से कुछ नहीं, तुम्हारा जो मन करता वो करो ना, ठीक। फर्स्ट थिंग ये हो गई आपके मोटिवेशन। और ये जहाँ तक रही एडमिशन की बात कि सर एलयू में नहीं हुआ तो क्या एयू में एडमिशन मिल जाएगा, एयू की बात कुछ ना करो। एयू की बात मीन्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात जहाँ तक करूँ, ठीक है। नहीं मिला बाई फोर्स आप उसे ले रहे हो, ठीक है, अडॉप्ट करो। लेकिन एक मेरा बात मानना, कभी कोई ये मत सोचना कि सर मैं ईयर बैक करना चाहता हूँ, डोंट डू डैट डियर, बिकॉज आप खुद अपनी लाइफ से खुद परेशान हो जाओगे। जब एक साल रेस्ट करोगे फिर आपका मन, फिर कुछ करने के लिए सोचोगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। आगे मैं आपको क्या बताऊँ, आगे से ऐसे क्वेश्चन आए कि सर क्या मुझे मेन कैंपस मिलेगा या नहीं। देखिए एलयू की जहाँ तक बात करो, जो भी आपका एडमिशन होता है वो केवल मेन कैंपस में ही होता है। अगर यहाँ एलयू के अफिलेटेड कॉलेज में चाहिए तो यहाँ डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। और थर्ड क्वेश्चन क्या आया, क्या मेरे लिए एलयू बेस्ट रहेगा या एयू बेस्ट रहेगा या बीएचयू बेस्ट रहेगा। देखिए गाइस, पढ़ना आपको है, करना आपको है, तो डिसीजन तो आप ले सकते हो, ठीक है। फाइनली अब आगे की क्या बात करूँ, कुछ भी करो बस अपने मन से करो, ठीक है। किसी के कहने या करने से मत जाओ, क्योंकि करना तुमको पढ़ना तुमको, जानते तुम हो अपना लेवल, तुम्हें पता है कि व्हाट एम आई। सो गाइज अगेन क्या बताऊँ, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, ठीक है। आपकी रैंक नहीं अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, क्या मैं डीडीयू ले जूँ, क्या मैं बीएचयू ले लूँ, क्या मैं एएयू ले लूँ, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। चूज़ करो, अच्छा करो, ठीक है। और जहाँ तक रही बात, क्योंकि देखो ईयर बैक की बात तो कभी करना मत मेरे से प्लीज, क्योंकि कई सारे मैसेजेस आए क्या सर मैं एक साल तैयारी करके ये कर लूँगा, क्या सर मैं ये तैयारी कर लूँ, ऐसे कुछ डोंट डू डैट गाइस। इसीलिए मैं सोचा किसके किसके मैसेज का रिप्लाई दूँ, क्या करूँ गाइस। जितना भी टाइम नहीं होता, सब कोई अपने आप में बिजी रहता है, ठीक है। तो मुझे टाइम मिलता है, अगर पॉसिबल होता तो मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, नहीं होता तो नहीं कर पाता हूँ, तो इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। जो मिल रहा है वो करो, ठीक है। फाइनली मेरा मानना तो कभी ईयर बैक मत करना, ठीक है प्लीज, क्योंकि आप जब एक साल आराम कर लेते हो तो फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं एंट्रेंस भी दोगे तो मन नहीं लगेगा, सोचेगा क्या। और जो होते रहते हैं लाइफ में तो होते रहते हैं, प्रॉब्लम आती रहती हैं, सोल्यूशन मिलते रहते हैं, क्योंकि अब ये बता दें सभी को, ये पता होगा कि कभी खुशी कभी गम, ठीक है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलता, थोड़े दुख होते हैं रहते हैं रहेंगे, ठीक है। बच्चे बोर हो रहे होंगे घर पे रहते रहते, परेशान हो, आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। आई थिंक सभी कॉलेजेस की पढ़ाई 10 से 12 जुलाई तक शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप आइए, मिलते हैं, फिर बात करिएगा जो भी करना होगा। बट गाइज अगले अपने अपने क्वेश्चन तैयार रखिए, अभी कहीं इतने छोटे भी नहीं है, इतने बड़े भी नहीं है, जो है आप खुद से डिसीजन लेना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि अब टाइम निकल चुका कि भैया कह दिए, पापा कह दिए, मम्मी बोल दिया, डोंट डू दैट। जो करना आप खुद से करो, क्योंकि आप अपने करोगे तो अच्छे से पाओगे, ठीक है। अब आगे के लिए बस मोटिवेशन यही था कि आपके क्वेश्चन का जो जवाब था ईयर बैक वालों के लिए बेटर था, ठीक है। और ये एलयू मेन कैंपस में, देखो एलयू में सबको मेन कैंपस मिलता है, एयू की बात करें तो एयू में 2000 सीटें होती हैं। अभी फर्स्ट कट ऑफ आई है, सेकेंड थर्ड फोर्थ कट ऑफ आने वाली है, तो वेट करें स्टूडेंट, पॉसिबल होगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। थोड़ा माहौल ख़राब है लेकिन पढ़ना अपने आपको जानना है, कैसे वहाँ पे इन्वायरमेंट में रहना है, ठीक है। गाइज बाय।